पटना के फुलवारी शरीफ डीएवी पब्लिक स्कूल वाल्मीकि परिसर में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर अशोक कुमार निदेशक ने जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के निदेशक ने कार्यक्रम में शामिल छात्रों और छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पूर्व राज्यपाल महोदय ने अपने संदेश में कहा कि विद्यालय ने राष्ट्रसेवी नागरिकों को गढ़ा है। देश विदेश में यहाँ से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने अपने माता पिता का मान बढ़ाया है। उच्चतर कक्षाओं के लगभग 650 छात्रों ने नृत्य गीत और लघु नाटिका मिलाकर कुल 25 कार्यक्रमों का समायोजन किया। डीएवी पब्लिक स्कूल जो विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा के साथ ही साथ एक संस्कार देना, बच्चा अनुशासन में रह करके और वो आगे बढ़े, बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाए, इस तरह यह विद्यालय का डीएवी का यह प्रयास रहता है कि बच्चे अच्छे ढंग से आगे बढ़ते हुए और ऐसे पढ़ाई करें ताकि आगे चल करके अपने अभिभावक, अपने बड़े जनों और अपने बाद में अपने राष्ट्र की सेवा में कार्य कर सके। तो इस तरह से ये डीएवी पब्लिक स्कूल और ख़ास करके आज डीएवी पब्लिक बाल्मी जिसका आज वार्षिक उत्सव है, इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुआ बच्चों के द्वारा, देख करके काफ़ी प्रसन्नता हुई। तो जिस तरह ऑडिट डिपार्टमेंट में साल भर का अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वही हम पेरेंट्स के सामने रखते हैं कि एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक होता है, इस चीज़ को हर स्कूल को ये करना चाहिए। जहाँ तक डीवी का सवाल है, डीवी विख्यात है जब इसकी स्थापना हुई थी 1886, मतलब 140 साल के इतिहास में। हमारा अभी 950 स्कूल है, 40 लाख बच्चे इंडिया में हैं, 4 लाख बच्चे बिहार में हैं। इसकी मूल प्रेरणा के पीछे है शिक्षा, सेवा और संस्कार। हम शिक्षा के साथ उस बच्चे को संस्कार की बात इसलिए करते हैं कि जब तक वो संस्कारित नहीं होगा, देश का काम नहीं आएगा, राष्ट्रता की भावना भी हम उसमें भरते हैं। मेरा मतलब ये है कि हम बच्चे को शिक्षा के साथ आयाम एक ऐसा बना के स्टेज देते हैं जिससे वो देश का एक सुसभ्य नागरिक बन सके, देश को कल काम आए, देश को आगे बढ़ाने में आगे चले। तो मेन उद्देश्य इस फंक्शन का यही है। जो कुछ आप देख रहे हैं यह सिर्फ एक एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से पेरेंट्स को विश्वास दिलाया जाता है कि आपके बच्चे ने यह सीखा, जैसे कहा ना कि आयाम है एजुकेशन।